शिव या महादेव हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर के नाम से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश मेन उनका वास है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्ररूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के माता पिता कौन हैं? आइए जानते हैं। अभी तक इस बात का पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है कि देवों के देव महादेव की सृष्टि में उत्पत्ति कैसे हुई और इनके माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई ऐसी कथाएं जुड़ी हुई है जिसका शिव पुराण में उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। श्रीमद देवी महापुराण के मुताबिक भगवान शिव के पिता के लिए भी एक कथा है। देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया और आप त्रिदेवों को किसने जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा था कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब यह हुआ है कि दुर्गा ही माता हैं और ब्रह्म यानिकाल सदाशिव पिता हैं। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी निर्मलता के साथ जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में शिव के जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संदर्भ में बातें कर रहे थे, तभी शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। पौराणिक कथाओं के आधार पर एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का झगड़ा हो गया। मामला था संसार की उत्पत्ति का। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, संसार की उत्पत्ति मुझसे हुई है। वहीं विष्णु जी का कहना था कि मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि तू मेरी नाभि के कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। उसी समय सदाशिव ने उन दोनों के बीच एक चमकीला सफेद स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर प्रकट होकर बोले कि आप दोनों ही सृष्टि के रचयिता नहीं हैं। सदाशिव ने बताया उनके पांच मुख हैं। इनमें एक मुख से अकार अ, दूसरे मुख से उकार उ, तीसरे से मुकार म, चौथे से बिंदु व पांचवें मुंह से नाद ध्वनि प्रकट हुई है। अतः इन सबसे मिलकर बना ओम ही मेरा मूल मंत्र है।